इधर जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ है। कुपवाड़ा के नागमार पर मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। एलओसी पर आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। तो देखिए लगातार सेना तमाम आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मार गिरा रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ लगातार जारी है। बात कुपवाड़ा की जाएगी। कुपवाड़ा के नागमार्ग पर मुठभेड़ जारी है। तस्वीर सामने, जहां पर घात लगाकर घेर कर इन आतंकियों को सेना के जवान मार गिरा रहे हैं। तो घाटी में अशांति फैलाना आतंकियों का मकसद, लेकिन इस मकसद में आतंकी का मुंह तोड़ जवाब सेना के जवान देते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल कुपवाड़ा के नागमार पर मुठभेड़ जारी है। दीपांकर गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त जम्मू कश्मीर से सीधे जुड़े हुए हैं। दीपांकर, फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, ये एलओसी के पास का इलाका है, उत्तरी कश्मीर का बिल्कुल लास्ट, जो कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल है। लाइन ऑफ कंट्रोल से कुछ ही किलोमीटर दूर का ये वन क्षेत्र है, और यहाँ पर एक सूचना मिली थी कि दो आतंकी जो संभवतः पाकिस्तानी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि आज सुबह वो लाइन ऑफ कंट्रोल से एक दो दिन में इन्फिल्ट्रेट किया हो। ये ग्रुप जो है ये वहां पर फॉरेस्ट एरिया में देखा गया, और तुरंत सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। यहाँ पर लगभग एक घंटा पहले फायरिंग जो है वो हुई है, यानी कि कंटैक्ट एस्टैब्लिश हुआ है, और कंटैक्ट एस्टैब्लिश होने के बाद यहाँ पे पूरे इलाके को घेर लिया गया है। कुछ ही देर में यहाँ पर रीइंफोर्समेंट भी पहुंचेगी, और इन आतंकियों को मार गिराने के लिए पूरी कोशिश जो है वो सेना द्वारा की जा रही है। हम आपको बताते चले कि लगातार जो उत्तरी कश्मीर का के हमारे इलाके हैं, वहां पर कई आतंकियों को मार गिराया है हाल फिलहाल में सुरक्षा बलों ने। और अगर हम बात करें पिछले 15 दिनों की, तो 10 से ज्यादा आतंकियों को हमारे सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में मार गिराया है, और ये तब हुआ है जब व्यापक सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। वहीं एक जानकारी और हम अपने दर्शकों को देते चले कि जिला डोडा में भी सर्च ऑपरेशन जो है वो मिला है, और वहां पर भी आतंकियों के छुपे होने सर्च ऑपरेशन जारी है, और वहां भी आतंकियों के छुपे होने की खबर मिल रही है। दीपांकर सर, ये बताइए लगभग क्या जानकारी, कितना क्या इनपुट मिल रहा है, कितनी संख्या में आतंकी हो सकते हैं? देखिए, स्पेसिफिक अगर हम इस कुपवाड़ा वाले ये जो एक ऑर्डिनेंस सर्च ऑपरेशन है जहाँ पर कंटैक्ट एस्टैब्लिश हुआ है, वहाँ की बात करें तो दो आतंकी जो है वो यहाँ पे छुपे होने या यहाँ पर होने, इस वन क्षेत्र में होने की बात जो है वो कही जा रही है। अगर हम ये जानना अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में इस समय 50 से 60 आतंकी बताए जाते हैं, जिसमें से 50% से ज्यादा संख्या जो है वो विदेशी आतंकियों की है, जो कि इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ पर 5 से 6 ग्रुप्स हैं, 2 से 3 या 4 के अलग अलग ग्रुप्स जो है वो एक्टिव नजर आ रहे हैं, और लगभग 20 के करीब जो लोकल मिलिटेंट्स फंस गए हैं उनकी संख्या काफी कम है। बिल्कुल, देखिए अब लगातार हम ये भी देख पा रहे हैं दीपांकर कि आतंकवादियों का जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं इस बार बदला हुआ हमें नजर आता है, क्योंकि उनका जो घात लगाने का तरीका हुआ, या फिर चाहे हम टारगेट किलिंग का जिक्र कर लें, सेना के जवानों पर उनकी गाड़ियों पर हमले की बात कर लें, अब वो तरीका अलग हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। यहाँ पर अगर हम इस साल की बात करें, क्योंकि हम लोग अभी नवंबर में पहुंचे हैं, तो लगभग 50 के करीब हमारे जो जवान हैं या फिर सिविलियंस हैं उनकी शहादत हुई है इस पूरे साल भर में, और लगभग 20 के करीब आतंकी जो है वो 20-22 मारे गए हैं। कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं बचा है। अगर हम आपको बताएं, पूरे जम्मू कश्मीर में पहले काफी सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जिसमें श्रीनगर का डिस्ट्रिक्ट शामिल था, सेंट्रल कश्मीर का, या फिर रियासी का डिस्ट्रिक्ट, कठुआ डिस्ट्रिक्ट,
इवन डोडा या किश्तवाड़ के इलाके को सभी इमरजेंसी फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद तमाम इलाकों में आतंकवादी घटनाएं देखी गई। यहां तक कि जो पैटर्न आप चेंज होने की बात कर रहे हैं, पहले केवल सुरक्षा बलों पर हमला हुआ करता था, लेकिन इस बार देखा कि जिस तरह से शिवखोड़ी में तीन आतंकवादियों ने हमला किया, हमारी जो श्रद्धालु हैं माँ वैष्णो देवी के जो शिवखोड़ी से वापस आ रहे थे वैष्णो देवी कटरा की तरफ, उन पर हमला किया, 9 श्रद्धालुओं की डेथ हुई। या फिर जो जेड मोड टनल पर विकास कार्यों में लगे हुए हमारे कंपनी के एम्प्लॉइज थे, वहां पर एक बड़ा हमला जो है वो देखने को मिला, यानी कि नगे। और फिर उसके बाद जो निहत्ते संडे बाजार में आपने देखा कश्मीर सेंट्रल श्रीनगर में जो है वो ग्रेनेड हमला हुआ, तो ये अब न केवल सुरक्षा बलों को टारगेट कर रहे हैं बल्कि लोगों को टारगेट कर रहे हैं अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए। ये भी हम कह सकते हैं, देखिए इनका मकसद तो यही है आतंक को फैलाया जाए और दहशतगर्दी फैलाई जाए। इस बीच ये भी देख पा, जैसे कि हम बात करते हैं कि तमाम जो विदेशी हथियार हो गए उसका इस्तेमाल हो गया, विदेशी वेपन्स हो गए उसका इस्तेमाल करना हुआ, या पहले आत्मघाती हमले किए जाते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आतंकवादी चाहते हैं खुद बचें, अपने आप को बचाना चाहते हैं और सामने वाले को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब ये उनकी जो पैटर्न है ये हमने चेंजेस देखे हैं, क्या आपको भी ऐसा लगता है? सही बात है, दोनों ही तरह से चेंजेस जो है वो सामने दिखाई पड़ रहे हैं। जहां तक हथियारों की बात है, M4 राइफल्स जो US मेड अफगानिस्तान में छोड़ दी गई वो यहां पर लगातार जो आतंकी मारे जा रहे हैं उनके पास से रिकवर हो रहे हैं। उसके अलावा चाइनीज मेड स्टील बुलेट्स जो है वो हाल ही में कई जो हमले हैं उनमें यूज की जा रही हैं। और पहले कि अगर आप पॉपुलर स्ट्राइक्स की बात करें जो आतंकियों ने की थी उनमें हमले हुआ करते थे, लेकिन अब वो पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो गया है। पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं 2014 में, जम्मू कश्मीर में काफी कुछ बदल गया है। जम्मू कश्मीर में आज एक नया विकास का दौर है, यहाँ पर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बहुत तेज हो रहे हैं, टूरिज्म के नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं, और इस सबके बीच आतंकवादी भी अगर हम कहें तो एक नई स्ट्रेटजी के साथ सामने आए हैं, और वो निहत्ते लोगों पर हमले इसलिए कर रहे हैं ताकि उनकी प्रेजेंस जो है वो ज्यादा से ज्यादा शो हो सके। लड़की बहन माझी लाड़का युवा सगळ्यां पुढे अपना शीत करी हवा।